91.2 NIVH हेलो दून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हेमा। दोस्तों, लेकर हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से। इस कार्यक्रम में हमने आपको कई दिव्यांग शख्सियतों के बारे में बताया। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में सुनेंगे हम एक और नई कहानी, एक और नई शख्सियत के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे श्रवण क्षमता की आवश्यकता और इसके ना होने की हानि के बारे में। पर उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, श्रवण बाधिता एक दिव्यांगता में आती है, लेकिन एक कान से ना सुन पाना या एक आंख से ना देख पाना ये आधिकारिक दिव्यता में नहीं आती है, यानी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो क्या कोई इस तरह की प्रेरणादायी शख्सियत रही है? मैंने सुना है महाराणा प्रताप को एक कान से सुनने में दिक्कत थी, और वो एक महान योद्धा भी रहे हैं, प्रेरणादायी शख्सियत रही हैं, तो उनके बारे में बताइएगा। महाराणा प्रताप, जो कि राजपूतों के वंश के सान माने जाते हैं, है ना? जी। महाराणा प्रताप के बारे में क्या सबसे ज्यादा प्रचलित है? हल्दीघाटी की युद्ध जी, जिसमें कि मानसिंह अकबर के बेटे के साथ उन पे चढ़ाई कराया था। तो महाराणा प्रताप ये देखते हैं कि सेना बहुत बड़ी है अकबर की जी, मानसिंह वो सारी रणकौशल से परिचित थे जो कि एक राजपूत, जिसके बारे में वो जानता है और जिससे वो लैश होता है। तो महाराणा ने ही सोचा कि ना, हाथी पे सवार मानसिंह जब तक ये ना घट जाए तब तक मुगलों की सेना को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा जी। राजपूत बड़े बहादुरी से लड़ रहे थे और भारी क्षति पहुंचाया, साथ ही साथ महाराणा प्रताप बढ़ते चले गए मानसिंह की तरफ। मानसिंह हाथी पे सवार, महाराणा प्रताप घोड़े के ऊपर सवार, खुद लगभग 7.5 feet के, 110 kg का उनका अपना वजन, 110 kg का अपना वजन, उसके ऊपर और 100 kg के वो उनका भाला अकेला 80 kg का था जी, वो तो अभी भी रखा हुआ है। तो बिल्कुल उस भाला को लेते हुए चेतक के ऊपर बैठे हुए नीला अरबी घोड़ा, भाई वही एक घोड़ा जिसके बारे में कविताएं लिखी गई जाती हैं जी, चढ़े गए बिल्कुल हाथी के ऊपर, और चेतक एक छलांग लगाता है, अपने दोनों पैर मानसिंह के हाथी के सूंड के ऊपर रख देता है, और तब तक महाराणा अपने भाला से मानसिंह को बिल्कुल फेंकने ही वाले थे कि घात लगा के एक तीर मारा जाता जो कि उनके कान को लगता है। भाला मारा गया, थोड़े से बच गया, मानसिंह झुक गया, लड़खड़ा गया, महाराणा को उनके कान पे तीर लग गई। महाराणा अपने घोड़े के साथ, चेतक के साथ दूसरे दिशा में निकल गए, सेना आधी उनके पीछे चली गई। तब तक हम जानते हैं कि चेतक एक नाला को कूदकर पार कर गया और वहां जान दे गया। महाराणा उस तीर को अपने कान के अंदर से निकालते हैं, लहूलुहान कान हो जाता है, और क्षति दोनों सेनाओं को पहुंचती अच्छी खासी। ऐसा बोला जाता है कि हल्दी घाटी में महाराणा की हार हुई थी, पर गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि दस्तावेज तो मुगलों के लिखे हुए ये पाए जाते हैं कि उस लड़ाई के बाद ना तो मानसिंह से औरंगजेब बात करता है, ना अपने बेटे से बात करता है। ताम्रपत्र जितने मिलते हैं उस दौरान के बाद 3-4 सालों तक महाराणा प्रताप ताम्रपत्र में दान देते हैं लोगों को, अपने एक अपने राज्य के कुछ भूमि का दान देते हैं। तो अगर अकबर जीत ही गया था तो बात करना क्यों बंद किया? ताम्रपत्र में कैसे मिला? सिक्का महाराणा प्रताप का कैसे चल रहा था तब से, है ना? तो महाराणा प्रताप की हार नहीं हुई थी, दोनों सेनाओं को काफी क्षति पहुंची हुई थी। उसके बाद फिर कुछ लड़ाइयां हुई और महाराणा प्रताप ने ये प्रण लिया था कि जब तक मैं मुगलों को पूरी तरह साफ ना करूंगा तब तक अपनी सेना को बढ़ाऊंगा और खाट पे ना सोऊंगा, भूमि पे सोऊंगा। अच्छा, ठीक। तो भीलों के साथ वो चले गए थे जंगलों के बीच अपनी सेना को सशक्त बनाने के लिए जी। तो कहते हैं कि घाव तो धीरे धीरे भर गया, पर एक कान में सुनने में कमी हो गई उनको जी। तो सुनने में जब कमी हो गई, तो अमूमन जब एक कान में सुनने में कमी होती है, होता कुछ ये है कि अगर आपको पीछे से कोई आवाज लगा है तो आपको समझ नहीं आता कि किधर से आवाज आई, इसे लोकलाइजेशन बोलते हैं जी। या इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, दरवाजे बंद हैं, अगर मान लीजिए एक आवाज आई कहीं से घुसकर मेरे कान में, तो मैं किस दिशा से आई, इस दिशा से आई या इस दिशा से आई, वो बता अचानक नहीं पाऊंगा, उसका अनुमान नहीं लगा, उसका अनुमान नहीं लगा पाऊंगा मैं। ये कठिनाई होती है, लोकलाइजेशन की कठिनाई होती है। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ दिनों बाद
महाराणा प्रताप आखेट पे निकले, शिकार करने पे निकले. जब शिकार करने पे निकले तो शिकार करने के लिए जंगल में गए. शिकार के लिए एक तेंदुए का पीछा कर रहे थे. तेंदुए का पीछा करते करते जंगल में चले गए. तब तक हुआ कुछ यूं कि तेंदुआ तो कहीं निकल गया, पर एक बाघ जो कि सामने दिख रहा था, उस सामने देखते देखते उसको फॉलो करते करते वो बाघ यूं घूम कर आवाज करता हुआ इधर से आक्रमण कर गया. तो उन्हें यह समझ नहीं आया कि ये किस तरह से बाघ की आवाज आई. तो जब समझ नहीं आया और जब तक वो पलटे तब तक वो बाघ उनके मुंह तक आ चुका था. तीर उन्होंने मारा, बाघ मरा, लेकिन धनुष टूट गया और एक हिस्सा उनको सीने में लग गया था. धनुष का एक हिस्सा प्रत्यंचा टूट गई थी उनकी और सीना में लग गया था, जिससे कि जो चोट लगे हुए थे युद्ध के वो हरे हो गए, घाव गहरा हो गया. महाराणा प्रताप उस घाव से फिर उभर नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई थी. कहने का मेरा मतलब ये है कि भले ही दोनों कानों से सुनने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और हम पूरी तरह समझ पाते हैं चीज़ों को, जब तक हम दोनों कानों से ही मोहताज नहीं होते, बोलते ना कि पुअर ईयर शुड बी हैविंग ए लॉस ऑफ मोर देन 60 डेसिबल्स, तो जो खराब कान है उसमें, जो अच्छा कान है उसमें 60 डेसिबल की कमी जब तक नहीं होती है तब तक हम उसे आधिकारिक या सर्टिफाइड डिसेबल नहीं मानते हैं. लेकिन अगर एक कान में सुनने में कमी हो जाए, भले ही हम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, आधिकारिक वो नहीं हो, लेकिन इस तरह की स्थितियों में, अभी तो ऐसी स्थितियां नहीं होती, लेकिन इस तरह की स्थितियां अगर आ जाए जहां कि हमें किस दिशा से आवाज़ आ रही है उसका सटीक जानकारी पाना हो, तो वो क्षमता खो जाती है. और वो क्षमता खो गई थी, इसलिए महाराणा प्रताप ने अपनी, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी. भले ही एक कान से ना सुन पाना और एक आंख से ना देख पाना सर्टिफाइड डिसेबिलिटी ना हो, लेकिन इसका असर जीवन पे और रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयां आती ही आती हैं. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी रोचक जानकारी के साथ कहानियां सुनाई इतने अच्छे तरीके से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.